राम राम भाई सभी को। तो आज है हमारी साउथ इंडिया ट्रिप का चौथा दिन, तो फाइनली हम निकल पड़ते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। जहाँ हमें जाना था वो था तिरुपति बालाजी। फाइनली भाई हम निकल पड़ते हैं तिरुपति बालाजी के लिए। भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि वहाँ पर मुझे जाने की कितने लगभग 1.5 सालों से था। अब भाई देखते हैं आगे क्या क्या होता है सीन। हर बार की तरह वही हुआ, जो नहीं सोचा था वापस से हो गया भाई साहब। फिर से इतनी भीड़ मिली, एक तो जनरल डिब्बा था, रिजर्वेशन था ही नहीं हमारा क्योंकि हमारा प्लान यहाँ से नया बनाए, तो भाई हमको बाथरूम पास बैठ के जाना पड़ा और हमारे चाचा गेट पास खड़े थे और पापा भी। फिर भाई साहब क्या बताएं, एक स्टेशन पर हमारी गाड़ी 1.5 घंटे पिट गई लगभग, क्या बताएं भाई आपको, अलग ही सीन हो गया था हमारा तो। फिर जैसे तैसे हमारी ट्रेन थोड़ी देरों के बाद चलने लगती है और मैं तो भाई गेट पास बैठ गया था क्योंकि मैं थक गया था बहुत, क्योंकि बहुत देर से खड़ा था लगभग मैं। 12 घंटे का सफर था वो, प्लस 1.5 घंटे हमारी ट्रेन लेट हो गई थी तो डबल थक गए थे हम तो। सो फाइनली हम पहुंच जाते हैं तिरुपति बालाजी। तो भाई इतना सुंदर दृश्य देखने को मिलता है हमको, सूरज भगवान उग रहे होते और हम पहुंच जाते हैं भाई साहब। सबसे पहले हमको लेना था टोकन क्योंकि मंदिर में दर्शन के लिए चाहिए रहता है टोकन, तभी हम ऊपर पहाड़ पर जा सकते थे। तो हम सबसे पहले लग गए लाइन में भाई, सुबह से इतनी लाइन थी मैं क्या बताऊँ आपको, लगभग 4.5 से 5 हज़ार लोग लाइन में लगे हुए थे, इतनी बड़ी लाइन थी भाई। जैसे तैसे करके एक तो ट्रेन में पूरी रात परेशान हो गए और 2 घंटे के बाद हमको मिल जाती है दर्शन की टिकट। इसके बाद का अगली वीडियो में, जब तक के लिए मिलते हैं बाद में। राम राम सभी को।